सलमान खान को एएसआई का नोटिस, शूटिंग के दौरान मूर्ति डैमेज करने का लगा आरोप। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का पहला शेड्यूल शूट ही हो रहा है, लेकिन एक्टर के लिए मुश्किलें अभी से सामने आ चुकी हैं। एमपी में शूटिंग के दौरान शिवलिंग को कवर करने को लेकर हुई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बाद अब एक्टर को एएसआई ने नोटिस भेजा है। डिपार्टमेंट ने सलमान और उनकी टीम को ऑर्डर दिया है कि वो मांडू में जल महल के अंदर बनाए गए फिल्म के 2 सेट को हटाएं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि फिल्म शूट के लिए ली गई परमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन हाउस को पहले ही इस बारे में बता दिया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। नोटिस में ये भी कहा गया है कि लोकेशन पर निर्माण करना प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष एक्ट 1958 का उल्लंघन किया गया है। फिल्म के मेकर्स पर एक अनोखी मूर्ति को डैमेज करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ये घटना तब हुई जब महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे एक किले में शूटिंग हो रही थी। लोगों की माने तो किले में स्थित मूर्ति उस वक्त टूट गई जब बॉलीवुड फिल्म के सेट को हटाया जा रहा था। बता दें, इस किले को होलकर रूलर्स द्वारा बनवाया गया था। लोगों का कहना है कि भारी सामान मूर्ति पर लगा और इसका एक हिस्सा टूट गया। एमपी की कल्चर मिनिस्टर विजय लक्ष्मी साधो, जो कि महेश्वर से एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि हमने दबंग 3 के लिए शूटिंग की परमिशन दी थी, जिससे कि इस ऐतिहासिक जगह की पर्यटन क्षमता को हाईलाइट किया जा सके। अगर शूटिंग के दौरान कुछ गलत हुआ है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कदम जरूर उठाए जाएंगे।